प्यारे मित्रों, आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्वांचल के दौरे पर आते हैं, गोरखपुर के दौरे पर आते हैं, तो नौजवान रोजगार मांगने के लिए उत्तर प्रदेश के स्वनाम धन्य मुख्यमंत्री को दौड़ा लेते हैं। ये सांसद बार में फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान उनसे रोजगार मांगता है, और जब उनके पास जवाब नहीं होता है तो दुम दबा कर भागने को मजबूर होते हैं। आज चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सबके सब त्रस्त हैं। उत्तर प्रदेश के उम्मीद की किरण समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के अंदर दिखाई दे रहा है। हम अपने दोनों साथियों से को का स्वागत करते हुए उनसे यह अपील करते हैं कि साइकिल को पहुंचाने में अगर आपको अपने प्राणों की आहुति देना पड़े तो मेरे साथियों कभी पीछे मत हटना, क्योंकि इस बार का चुनाव अंतिम चुनाव होने जा रहा है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस तरह से संविधान को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर इस बार नौजवान व्यापारी किसान चुप हो गया, दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग चुप हो गया, तो 2027 में आप वोट देने लायक रहेंगे यह सोचने का विषय है। इसलिए चुप करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। इन फिर का प्रस्त ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए अगर आपको अपने आहुति को देना पड़े तो मेरे साथियों पीछे मत हटना। आप सबका स्वागत।